मंडी के पड्डल में स्थित माता जोगिंदर ज्वाला के मंदिर में हिमाचल डिफेंस वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में देश की रक्षा के लिए गए जवानों की पत्नियों ने साथ मिलकर करवा चौथ के त्यौहार को खुशियों के साथ साझा किया। इस मौके पर यहां पर मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया, जिसमें डिंपल की मेहंदी ने सभी का मन मोह लिया और उन्हें इसके लिए प्रथम पुरस्कार दिया गया। वहीं दूसरे स्थान पर शांता और तीसरे नंबर पर गायत्री रही। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पहुंची सेना भर्ती कार्यालय मंडी के निदेशक की पत्नी लक्ष्मी गुलिया ने इस अवसर पर सभी महिलाओं को करवा चौथ की बधाई दी। हम एक साथ मिलकर आज अच्छे से करवा चौथ का सेलिब्रेशन कर रहे हैं और कॉम्पिटिशन्स या छोटे मोटे गेम्स, डांस, भजन पार्टी ये सब किया है। ये सब मिलकर आज पूरे दिन को और भी ज्यादा हम सफल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और अपने दिन को हस्बैंड दूर होते हुए भी इन्हें उस चीज की महसूसता ना हो कि हस्बैंड पास नहीं है। सभी बहनें अपने अनुभव एक दूसरे के साथ शेयर करके यहाँ पे बहुत अच्छे से हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। करवा चौथ के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हिमाचल डिफेंस वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन की महिलाओं ने ज्वाला माता मंदिर जो पड्डल में स्थित है यहाँ पर भजन कीर्तन का आयोजन किया और इसके साथ ही महिलाओं ने मेहंदी कंपटीशन भी यहाँ पे रखा था और जिसमें हमने प्राइज वगैरह भी रखे थे महिलाओं के लिए। जिन्होंने सबसे अच्छी मेहंदी अपने हाथों पे रचाई उनके लिए हमने प्राइज भी डिस्ट्रीब्यूट किए। वहीं हिमाचल प्रदेश डिफेंस वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन की जिला प्रधान आशा ठाकुर ने इस मौके पर कहा कि जिनके पति सेना में दूर सेवाएं दे रहे हैं उनकी लंबी उम्र की प्रार्थना के लिए उनकी बीवियों ने करवा चौथ का व्रत रखा है, जिसके लिए मंदिर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एसोसिएशन के साथ जुड़ी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर महिलाओं ने भजन कीर्तन के माध्यम से माता की महिमा का गुणगान भी किया और मां से उनके पतियों की सलामती की प्रार्थना की।